खबर बांदा जनपद से है, जहां बबेरू तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन पर 6 सूत्री मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। वहीं काली पट्टी बांधकर हड़ताल पर सारे अधिवक्ता रहे हैं। मामला बबेरू तहसील परिसर का है, जहां पर बबेरू तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामशरण प्रजापति के नेतृत्व में अधिवक्ताओं में आज काली पट्टी बांधकर हड़ताल पर रहे हैं। वहीं सभी अधिवक्ताओं के द्वारा अपनी मांग और समस्याओं को लेकर 6 सूत्री ज्ञापन उपजिलाधिकारी रावेंद्र कुमार सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को भेजा है। वहीं संघ के अध्यक्ष व महासचिव के द्वारा बताया गया कि प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख का मुफ्त चिकित्सा बीमा आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समेत लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों को यथाशीघ्र भुगतान कराया जाए। अधिवक्ताओं के चैम्बर का निर्माण कराया जाए। अधिवक्ताओं और पत्रकारों की मृत्यु एक समान धनराशि दी जाए। 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40,000 अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इन्हीं समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। इस मौके पर अध्यक्ष रामचरण प्रजापति, महासचिव रामचंद्र यादव, कोषाध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह, राम प्रताप वर्मा, संतोष यादव, मनोज कुमार श्रीवास्तव, शंकर प्रसाद, विजय नारायण, गणेश प्रसाद प्रजापति, रमाकांत द्विवेदी, रवि करण सिंह, प्रभाकर पाठक, हेमराज सिंह, वेदपाल, दिनेश सिंह, अनिल कुमार, लक्ष्मण बाबू, सत्येंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य पदाधिकारी व अधिवक्तागण मौजूद रहे। ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब, किस प्रकार का ज्ञापन था? ये हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश में सांकेतिक हड़ताल रखी गई है, जिसमें हम बार काउंसिल ने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं को आयुष्मान कार्ड एवं बीमा से जोड़ा। न्यासी समिति में हमारे मृतक अधिवक्ताओं के जो पेंडिंग दावे हैं उनको जो है सरकार त्वरित निस्तारण करे। 40,000 अधिवक्ता लगभग हैं जिनको जो है पेंशन योजना लागू की जाए। इसी संबंध में बार काउंसिल के निर्देशानुसार हम लोगों ने ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी महोदय बबेरू को उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दिया। जी, किस प्रकार का ज्ञापन था आज दिया है? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन 8/12/2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे। 6 सूत्री ज्ञापन लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन सभी मांगों को ही निर्णित कर दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी संबंध में बार काउंसिल का निर्देश व आह्वान पर आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा है नहीं, जिसमें अधिवक्ताओं को आयुष्मान कार्ड से जोड़े, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंधित 6 सूत्री मांगे हैं।